कोरोना संक्रमण के चलते ऑक्सीजन और दवाओं के संकट के बीच जिन नेताओं ने मरीजों की मदद की थी अब वो सब जांच के दायरे में हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ऐसे नेताओं व अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से पूछताछ करेगी और जानकारी जुटाएगी जिन्होंने ऑक्सीजन और दवाएं उपलब्ध कराई थी। इस कड़ी में शुक्रवार को क्राइम ब्रांच ने युवा कांग्रेस के कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास से पूछताछ करी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा दायर याचिका में बताया गया था कि कोरोना संक्रमण जब चरम पर था तब कई नेताओं ने दवाइयां वितरित की थी। बेहद मुश्किल घड़ी में जब लोगों को ये दवाइयां बाजारों में नहीं मिल रही थी उस समय इन नेताओं के पास ये दवाइयां कहां से पहुंची। हाईकोर्ट ने इस पर पुलिस को सभी से पूछताछ कर जांच करने को कहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच ने तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे, कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा और भाजपा के नेता हरीश खुराना का बयान दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें क्राइम ब्रांच अब जल्द भाजपा सांसद गौतम गंभीर से भी पूछताछ करेगी। इन सभी के बयान लेने के बाद क्राइम ब्रांच एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसे हाईकोर्ट को सौंप दिया जाएगा। वहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस की शुक्रवार को की गई पूछताछ पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे मानवता की मदद कर रहे लोगों की बेइज्जती करने का प्रयास बताया है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।